हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा के चुनाव के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। बहुत ही छोटा सा सेशन रहने वाला है, लेकिन ध्यान रखना जितने भी आपको यहाँ पॉइंट पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल डीप आपको पढ़ना है। कितना आपको पढ़ना है? बिल्कुल डीप आपको पढ़ना है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। पहली लाइन से पढ़ना चालू करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को, डेट सारी याद रखना आप, भारतीय निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के द्वारा 16 मार्च 2024 के बाद कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं? 18वीं लोकसभा के लिए यह चुनाव कराए गए हैं। कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं? 18वीं लोकसभा के लिए यह चुनाव किए गए हैं। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक कराए गए हैं? 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक इन्हें संपन्न करवाया गया है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। कौन सी लोकसभा के लिए? 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक यह चुनाव संपन्न करवाए गए हैं। ठीक है, कितने दिन का समय हुआ? ध्यान रखना हर चीज डीप पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल 44 दिन में यह चुनाव संपन्न करवाए गए हैं। कितने दिन में? 44 दिन में। आगे बात करते हैं, आ जाओ फिर से। चुनाव के परिणाम कब आए थे? 4 जून 2024 को आए हैं। कब आए हैं? 4 जून 2024 को। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चुनाव चला, कितने दिन? 44 दिन का चुनाव चला और परिणाम आए थे 4 जून 2024 को। ठीक है, बहुत सारे सवाल बनेंगे हर लाइन से और शब्द से सवाल बनेंगे यहाँ से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती है? 240 सीट जीती है। कितनी? किसने जीती है 240 सीट? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीट जीती है? 240 सीट जीती है। ठीक है, भाजपा के नेतृत्व में एक गठबंधन है जिसका नाम क्या है? एनडीए है। क्या है? एनडीए है। एनडीए ने कुल कितनी सीटें जीती है? एनडीए ने कुल कितनी सीटें जीती है? 293 सीटें जीती है। कितनी सीटें जीती है? 293 सीटें जीती है। तो यहाँ से दोनों सवाल आपको याद रखने हैं, भाजपा ने कितनी जीती है? 240 सीट, और एनडीए ने कितनी जीती है? 293 सीट। आपको कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना हर चीज को अलग अलग बिल्कुल विद डिटेल पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि फिर बढ़ते हैं अपन आगे, अगली लाइन में क्या है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती है? 99 सीट जीती है। कितनी सीट जीती है? 99 सीट जीती है। किसने जीती है? कांग्रेस ने जीती है। ठीक है, और कांग्रेस के नेतृत्व में एक गठबंधन बनाया जिसका नाम क्या है? इंडिया गठबंधन। क्या है? इंडिया गठबंधन। ठीक है, ये कुछ दलाल मीडिया वाले ऐसे बोलते हैं इसको, इंडी गठबंधन। ठीक है, अब जैसे वो एनडीए को तो क्या बोलते हैं? एनडीए गठबंधन। देखो कि वो ऐसे बोलते हैं, जो लास्ट का ए है ना वो अलायंस का आता है। ठीक है, तो उसको एनडीए नहीं बोलते, उसको एनडीए नहीं बोलते, और इसको क्यों इंडी के बोलते रहते हैं? बस यही दोगलापन अपन लोगों को दूर करना है, और यह दूर कैसे होगा? अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए और इस बात को आगे तक पहुंचाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने, और इसका नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, कितनी सीटें जीती है? 233 सीटें जीती है। ठीक है, एनी दलों ने 10 और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती है। लास्ट लाइन पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे, उन चारों का राज्य का नाम याद रखेंगे आप, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम व अरुणाचल में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। या आपसे ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कौन से में चुनाव नहीं हुए, या कौन से में नहीं देके कौन से पूछेगा हुए हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो आज अपन ने पढ़ा लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण तथ्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हमारे लोकसभा चुनाव से संबंधित अपन सारी चीजें पढ़ चुके हैं पीडीएफ में के माध्यम से, प्लेलिस्ट में दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए। ठीक है, शेयर करना आप इसको अधिक से अधिक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।